इस बार टाइम से पहले आया, लेकिन ऐसा आया कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नॉर्थ इंडिया में भयंकर गर्मी और उमस से परेशान करने के बाद पिछले 2-3 दिनों से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल इस टाइम तेज बारिशों से बेहाल है। ये तस्वीरें हैं पंजाब साइड की और पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर के साथ लगते जीरकपुर डेराबस्सी इलाके की, जहां पानी पिछले 2 दिनों में इतना बरसा जिसे मेट डिपार्टमेंट हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कैटेगरी में गिनता है कि लोगों की सोसाइटीज में बाढ़ जैसे हालात है। तस्वीरें हैं डेराबस्सी की गुलमोहर सोसाइटी की, जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं या सही से पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों की गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई और लोगों के घर भी पूरी तरह से डूब गए। प्रशासन किश्तियां लेकर निकल चुका है हालातों का जायजा लेने। दूसरी तस्वीर है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है बारिश का। यहाँ चंडीगढ़ की फेमस सुखना लेक अपने मैक्सिमम लेवल से काफी ऊपर तक बह रही है और यहाँ फ्लड गेट्स खोलने जैसी स्थिति है। यहाँ पानी अनकंट्रोल होने की स्थिति पर पीछे बने गांवों में पानी जा सकता है। नतीजा है यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात है। ये है पंचकुला के नजदीक घग्गर नदी, जो गर्मियों के दिनों में वैसे सूखी रहती है, लेकिन पहाड़ों में हुई लगातार बारिश से ये अभी पूरे उफान पर है। पहाड़ों में हो रही बारिशों का आलम यह है कि पंचकुला हरियाणा के कौशल्या डैम भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में पानी भरना स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो है मनाली के नजदीक ब्यास नदी में आए तेज बारिशों के पानी से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बह गया, जिसमें कुछ कार्स भी बह गई हैं। पंजाब में भी इस टाइम हालात काफी बद से बदतर है और यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 24 घंटे यानी 10 जुलाई तक मौसम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम में सुधार आ सकता है। लोग एहतियात रखें, पहाड़ इस टाइम ज्यादा वल्नरेबल है, वहां जाना अवॉइड ही करें। पंजाब में कई जगह सरकार और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, कोई प्रॉब्लम आने पर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। द ज्ञान गर्ल में आपको ऐसे अपडेट हम मौसम रिलेटेड देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।